संत शिरोमणि कबीरदास जी ने मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए दोहों की रचना की। आइए पढ़ते हैं कबीर जी के कुछ दोहे और उनके अर्थ। छिनई चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम का वहावे सोए। वह प्रेम जो क्षण भर में चढ़ जाता है, दूसरे क्षण उतर जाता है, वह कदापि सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे प्रेम का रंग तो इतना पक्का होता है कि वह एक बार चढ़ गया तो उतरता ही नहीं। प्रेम वह है जिसमें तन मन रम जाए। कबीर सुमिरन सार है और सकल जल जाल, आदि अंत मधि सो दिया दूजा देखा काल। कबीर जी कहते हैं, प्रभु का ध्यान सुमिरन भजन कीर्तन और आत्मचिंतन ही परम सत्य है, बाकी सब झूठा है। आदि अंत और मध्य के विषय में विचार करके सब देख लिया है, सुमिरन के अतिरिक्त सब काल के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कुल करनी के कार नहीं हंसा गया बिगोए, तब कुल का को लाजी है चारी पांव का होए। कुल की मर्यादा के मोह में पड़कर जीव पतित हो गया, अन्यथा यह तो हंस स्वरूप था, किंतु उसे भूलकर अधोगति में पड़ गया। सार शब्द जाने बिना जिन पर लय में जाए, काया माया थिर नहीं शब्द ले हूँ अर्थाए। सार तत्व को जाने बिना यह जीव प्रलय रूपी मृत्यु चक्र में पड़कर अत्यधिक दुख पाता है। माया रूपी धन संपत्ति और पंच तत्वों में मिल जाएगा और धन संपत्ति पर किसी अन्य का अधिकार हो जाएगा। काया और माया का अर्थ जानकर उचित मार्ग अपनाएं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते ज्ञान, गुरु बिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गुरु बिना माला फेरना, पूजा पाठ करना और दान देना सब व्यर्थ चला जाता है। जैसे वेद पुराणों में देख लो, अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल ले, एक मंदिर को का पड़ी नगर शुद्ध करी ले। साधु संतों का दर्शन महाफलदायी होता है, करोड़ों यज्ञों को करने के प्राप्त होने से पुण्य फलों के बराबर होता है। संतों का दर्शन, उनके दर्शन के प्रभाव से एक मंदिर नहीं बल्कि पूरा नगर पवित्र और शुद्ध हो जाता है। बैरागी फिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दो चुकी खाली पड़े ताको वार न पार। साधु को वैरागी और संसारी माया से विरक्त होना चाहिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही प्राणी को उदार चित्त होना चाहिए। यदि ये अपने अपने गुणों से चूक गए तो वे खाली रह जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और, कहे कबीर जिन पहिरिया पांचों राखौ ठोर। माला पहनना और तिलक लगाना तो वेश धारण करना है, इसे बाह्य आडंबर ही कहेंगे। राम भक्ति तो कुछ और ही है, राम नाम रूपी आंतरिक माला धारण करता है, वह अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके राममय हो जाता है। यह तो घर है प्रेम का ऊंचा अधिक इकंत, शीश काटी पग तर धरे तब बैठे कोई संत। यह प्रेम रूपी घर अधिक ऊंचा है और एकांत में बना हुआ है, जो अपना सिर काट कर सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने की सामर्थ्य रखता है वही इसमें आकर बैठता है। सभी रसायन हम पिया प्रेम समान न कोए, रंचन तन में संच रही सब तन कंचन होए। मैं संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा, किंतु प्रेम रसायन के समान कोई नहीं मिला। प्रेम अमृत रसायन के अलौकिक स्वाद के सम्मुख सभी रसायनों का स्वाद फीका है। यह शरीर में थोड़ी मात्रा में भी प्रवेश कर जाए तो संपूर्ण शरीर शुद्ध सोने की तरह अद्भुत आभा से चमकने लगता है। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए,
बोया बेल बबूल का आम कहाँ ते खाए। जब तू बुरे कार्यों को करता था, संतों के समझाने पर भी नहीं समझा, तो अब क्यों पछता रहा है? अब तूने जो कांटों वाले बबूल का पेड़ बोया, तो बबूल ही उत्पन्न होंगे, आम कहाँ से खाएगा? दुनिया के धोखे मुआ, चला कुटुंब की कहानी, तब कुल की क्या लाज है जब ले धरा मसानी। संपूर्ण संसार स्वार्थी है, स्वार्थ की धोड़ा धकी में ही जीव मरता रहा और संसारी माया के बंधनों में जकड़ा रहा। तुम्हारे कुल की लज्जा तब क्या रहेगी जब तुम्हारे शव को ले जाकर लोग शमशान में रख देंगे। अहिरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचा चढ़ा कर देखता केतिक दूर विमान। अज्ञानता में भटक रहे प्राणियों को सचेत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे अज्ञानियों, अहिरन की चोरी करके सुई का दान करता है, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी तू ऊंचाई पर चढ़कर देखता है कि मेरे लिए स्वर्ग से आता हुआ विमान अभी कितना दूर है, यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है? जिभ्या जिन बस में करी तिन बस कियो जहान, नहीं तो औगुन उपजे कही सब संत सुजान। जिन्होंने अपनी जिभ्या को वश में कर लिया, समझो सारे संसार को अपने वश में कर लिया। क्योंकि जिसकी जिभ्या वश में नहीं है, उसके अंदर अनेकों अवगुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा ज्ञानी जन और संतों का मत है। काम काम सब कोय कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा वही सोए। काम शब्द का मुख से उच्चारण करना बहुत ही आसान है, परंतु काम की वास्तविकता को लोग नहीं पहचानते, उसके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। मन में जितनी भी विषय रूपी कल्पना है, वे सभी मिलकर काम ही कहलाती हैं। कबीर औंधी खोपड़ी कबहूं धापे नाहीं, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। मनुष्य की यह उल्टी खोपड़ी कभी धन से तृप्त नहीं होती, बल्कि जिसके पास जितना अधिक धन होता है, उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। लोभी व्यक्ति के मन में सदैव यही भावना होती है कि कब तीनों लोकों की संपत्ति हमारे घर आएगी। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंग, विपत्ति पड़े छाड़े नहीं चढ़े चौगना रंग। साधु ऐसा होना चाहिए जिसका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, उसके सामने कैसी भी विकट संपत्ति विपत्ति आए, लेकिन वह तनिक भी विचलित ना हो, बल्कि उस पर सत्य का संकल्प रंग और चढ़े, अर्थात संकल्प शक्ति घटने की बजाय बढ़े। साधु आवत देखी कर हंसी हमारी देह, माथा का गहर उतरा नैनन बड़ा स्नेह। साधु संतों को आता देखकर यदि हमारा मन प्रसन्नता से भर जाता है, तो समझो सारे कुलक्षण दूर हो गए। साधु संतों की संगति बहुत बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होती है। कबीर हरिरस बरसिया गिरी पर्वत सिखराए, नीर निवानु ठाहिरे ना वह छा पर डाए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि चाहे वह पर्वत हो या ऊंचा नीचा धरातल, समतल मैदान बरसात हर स्थानों पर समान रूप से होती है, किंतु पानी हर स्थान पर नहीं ठहरता, गड्ढे या तालाबों में ही रुक जाता है। उसी तरह सद्गुरु का ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए होता है, किंतु सच्चे जिज्ञासु ही इसे ग्रहण कर पाते हैं। बेटा जाए क्या हुआ कहा बजावे थाल, आवन जामन होए रहा ज्यों कीड़ी की नाल। पुत्र के उत्पन्न होने पर लोग खुशियां मानते हैं, ढोल बजवाते हैं, खुशी किस लिए? संसार में ऐसा आना जाना लगा ही रहता है जैसे चींटियों की कतार का आना जाना। सहकामी दीपक दशा सीखे तेल निवास, कबीर हीरा संत जन सहज ही सदा प्रकाश। विषय भोग में सदा लिप्त रहने वाले मनुष्यों की दशा जलते हुए उस दीपक के समान है जो अपने आधार रूप तेल को भी चूस लेता है, जिससे वह जलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संत लोग उस हीरे के समान है
जिनका प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, वे अपने ज्ञान के प्रकाश से जिज्ञासु के हृदय को प्रकाशित करते हैं। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु के चरणों में लेटकर दंडवत और बार बार प्रणाम करो। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिस प्रकार कीड़ा भृंग को नहीं जानता किंतु अपनी कुशलता से स्वयं को भृंग के समान बना लेता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। जो जागत सो सपन में, ज्यों घट भीतर सांस। जो जन जाको भावता, सो जन ताके पास। जिस प्रकार जो सांसे जागृत अवस्था में है, वही सांसे सोते समय स्वप्न अवस्था में घट के अंदर आता जाता है। उसी प्रकार जो जिसका प्रेमी है, वह सदा उसी के पास रहता है, किसी भी अवस्था में दूर नहीं होता।